हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में कुछ इस टाइप का सिल्वर टेक्स्ट इफेक्ट हम बनाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए। इसी तरह से वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाता रहता हूँ और इसमें जो भी मटेरियल यूज़ होने वाला है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। PRP फाइल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये टेक्स्ट को डिलीट मार देंगे, इसका साइज़ बड़ा कर लेंगे, यूट्यूब थंबनेल साइज़ कर लेंगे। इसके बाद हम टेक्स्ट ले लेंगे। टेक्स्ट को लेने के बाद यहाँ पे हम सिल्वर लिखेंगे, एस को कैपिटल में ले लेंगे, बाकी का स्मॉल लेटर में कर लेंगे, स्पेस नहीं रखेंगे। ओके, बड़ा कर लेंगे। फॉन्ट में जाएंगे, मैंने अभी रिसेंट में यूज़ किया है ये वाला अलेक्जेंड्रा। ओके कर देंगे। इसका पैडिंग बढ़ा देंगे, दोनों तरफ से कर लेंगे। ओके, थोड़ा सा बड़ा करके इससे हम रिलेटिव पोजीशन में सेंटर में कर लेंगे। का कलर शेड ले लेंगे, एक साइड में लगा के इसे लॉक कर देंगे। सबसे पहले हम इसे कलर दे देंगे, कलर ग्रेडियंट रहेगा। यहाँ पे सबसे पहले हम ले लेंगे ये कलर को, फिर इधर हम ले लेंगे ये ब्लैक कलर को, फिर इधर हम फिर से ये ले लेंगे, इधर हम वाइट कर देंगे। ओके, फिर हमें इसके बीच में एक वाइट लेना है। ओके, कुछ इस टाइप से। एक और प्लस वाइट कर लेंगे। थोड़ा सा क्रॉस कर लेंगे। ओके, फिर हमें इधर ऐसा करना और ये ऐसा कर लेंगे। एक और प्लस कर लेंगे। ओके, कुछ इस टाइप से कर लेना है हमें। फिर हम इसको देंगे स्टॉक, स्टॉक 6 रख देंगे। इसका इसे भी कलर हम ग्रेडियंट ही देंगे, ये हमें कलर देना है। इधर भी हम ये ग्रे कलर ही देंगे, प्लस पे क्लिक कर देंगे। फुल वाइट कर लेंगे, इससे भी हम फुल वाइट कर लेंगे। सेम इसी तरह से देना है। ओके, अब हम इसे इनर देंगे, इनर शेडो फुल वाइट रहेगा।
ओके बस इतना ही देखें, ब्लड रेडियंस 5 कर लेंगे, फिर हम इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम इसे देंगे 3D। बुटीक में जाएंगे, डिप्थ इसका 2-3 रख देंगे, 2 रखेंगे, डार्कनेस ऑफ कर देंगे और इसे हम थोड़ा इधर कर लेंगे, 299 पे कर लेंगे, ये ऑफ कर देंगे। ओके, फिर हम जाएंगे इसके स्टॉक में, हमें देना है ग्रेडियंट कलर, इसी तरह से आप लोगों को भी सेट कर लेना है। थोड़ा सा क्रॉस कर देंगे कुछ इस तरह से। ओके, अब हम इसे इसके रेडी पोजीशन में सेंटर में करके इसे बैक टू कर देंगे। बैक टू करके इसे हमें एकदम बराबर में लाना होगा। ओके, अब हम कर लेंगे इसको कॉपी। कॉपी करने के बाद हमें इसका स्टॉक का कलर चेंज करना होगा। इधर कर लेंगे ये येलो, फिर इधर भी येलो ले लेंगे, फिर हमें प्लस करते जाना है। प्लस कर करके हमें इसे कुछ इस तरह से सेट करना होगा। फिर हम ये बॉक्स का कलर चेंज करेंगे। ओके, अब हम इसे कलर चेंज करते जाएंगे। कुछ इस टाइप से कलर चेंज कर लेंगे, इसे हम इसमें कर देंगे। जैसा कि देख सकते हैं कुछ इस तरह से बन चुका है। अब हम इसे एक एक लाइट कलर दे देंगे, कहीं कहीं जगह पे, सब जगह पे नहीं देना है। प्लस कर देंगे, थोड़ा सा शाइनी आ गया। अब हम इसमें शेडो देंगे, ब्लड रेडियंस बढ़ा लेंगे थोड़ा और इसे 23 के आसपास रख देंगे, 24-23, और इसे थोड़ा सा सरका देंगे।
8 के आसपास रख देंगे। इससे पहले हमें एक और एक इसके बीच में एक लगाना होगा, तो इसे हम कॉपी कर लेंगे। ओके, इसके स्टॉक में जाएंगे, येलो को थोड़ा माइनस कर देंगे। और थोड़ा माइनस कर देंगे। ओके, बस कुछ इस तरह से रख के इसका शैडो ऑफ कर देंगे। इसे भी हम रिलेटिव पोजीशन में सेंटर करके बैक टू कर देना है। बैक टू करके इसे थोड़ा सा दिखाना है स्टॉक के जैसे। ओके, अब हम इसे ले लेंगे, इसे भी सेंटर में करके बैक टू कर देंगे, रिलेटिव पोजीशन में जाएंगे। इस तरह से कर लेंगे। और इसे ऑफ कर देंगे। इसका बैकग्राउंड आप चाहे तो कोई भी ले सकते हो। चलिए हम यही यूज कर लेंगे। ये हमारा हो गया टेक्स्ट इफेक्ट। अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करिए। और अपना ख्याल रखिए यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।